गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक चल रहा है और अपना इनकम टैक्स के अंदर उसी कंडीशन में अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है डॉक्टर एम एल शर्मा ऑन सर्वरल हाउसेज एट जयपुर, यानी उसके पास बड़ा कुछ मकान है लेकिन ये नहीं बताया अपने को कितने मकान है, एक है, दो है, पाँच है, नहीं बता रखा अपने को। अपने को इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कितने हाउसेज इसके अंदर आते हैं। वन ऑफ विथ उस म्यूनसिपल वैल्यूएशन इज रुपीज 1,60,000, 1,60,000 रुपये, इज नॉट यूज बाई हिम, इज यूज बाई हिम फॉर हिज अवर रेजिडेंशियल पर्पज, यानी उसके अंदर जो फर्स्ट हाउस है, एक हाउस है जिसकी म्यूनसिपल वैल्यूएशन बता रहा है 1,60,000 है, जिसको खुद के रेजिडेंस के लिए यूज किया जाता है यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। उसके बाद में सेकेंड बड़ा इसके अंदर एंड द रिमेनिंग हाउसेज आर लेट आउट, बाकी की जो हाउसेज हैं वो लेट आउट है यानी किराए पर दिए हुए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 ही रिसीव 2,43,000 रेंट इन दिसंबर 2019 ऑफ ए हाउस विच वॉज लेट आउट टू ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी एक ऐसे हाउस का रेंट प्राप्त हुआ जिसको उसने किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लेट आउट कर रखा है। तो ये बड़ा 2,43,000 जो अमाउंट है वो रिसीव्ड अमाउंट दे रखा है। ये मैंने एक पॉइंट बताया था कि यदि रेंट का अमाउंट 1,80,000 से अबव है तो उस स्थिति के ऊपर 10% TDS का डिडक्शन होकर ही उसका पेमेंट किया जाएगा। ये रेंट रिसीव्ड है तो ये ग्रोस रेंट नहीं है, इसको आपको ग्रोसअप करना पड़ेगा क्योंकि ये 90% है और कंपनी से मिल रहा है, फर्म या कंपनी से मिल रहा है, तो उस स्थिति के अंदर अपना ये प्रोविजन है कि उस पर 10% TDS उसका डिडक्शन होगा। तो इस पर TDS डिडक्टेड है, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दे रखा है रेंट ऑफ अनदर हाउस फॉर 2 मंथ अमाउंटेड टू ₹30,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये कह रहा है एक अदर जो हाउस है जिसका 2 महीने का जो रेंट है वो बता रहा है 30,000 है, जिसमें से बता रखा है वो आउटस्टैंडिंग है। हाफ ऑफ विच इज नॉट रिकवरेबल, यानी उसमें से आधा है, यानी 30,000 2 महीने का रेंट बता रहे हैं, उसमें से आधा यानी 15,000 है वो नॉट रिकवरेबल है यानी अनरियलाइज रेंट हो गया। ही हैज मेड द फ्लोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हाउसेज, म्यूनसिपल टैक्स पे 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखा है 52,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा म्यूनसिपल वैल्यूएशन नहीं है लेकिन म्यूनसिपल टैक्स अपने को पूरे ईयर का दे रखा है वो 52,000 है और वो 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू है। यदि अपन 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू को 100 में कन्वर्ट करें तो 5,20,000 आता है, तो इसकी म्यूनसिपल वैल्यूएशन जितने भी हाउसेज हैं उनका कितना है 5,20,000 है। एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर बता रखे हैं इसके अंदर, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट कलेक्शन चार्जेस, एनुअल चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ऑल हाउसेज, सभी मकानों का जो लोन है वो बता रहे हैं इसमें 5,20,000 है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं वन हाउस हुज रेंट इज 15,000, फिर एक और मकान है जिसका रेंट 15,000 पर मंथ है, रिमेन वैकेंट फॉर 10 मंथ यानी 10 महीने खाली रही है, एंड अनदर हाउस हुज रेंट इज 9,000 पर मंथ, रिमेन वैकेंट फॉर, ऊपर वाला जो हाउस है वो 6 मंथ बड़ा वैकेंट रहा और ये जो 9,000 जो रेंट है ये हाउस है वो 10 मंथ के लिए वैकेंट रहा। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर डॉक्टर एम एल शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 अज्यूमिंग डेट ऑल द प्रॉपर्टीज वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 97-98 यानी 97-98 के अंदर इन प्रॉपर्टीज का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया था। अब सबसे पहले बड़ा इसका हाउस का कैलकुलेशन करने से पहले इसके कुछ वर्किंग नोट हैं वो भी अपने को करने पड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर अपने इसका जो फॉर्मेट है वो तो एकदम सिंपल सा फॉर्मेट बनेगा। यहाँ लिखेंगे अपने सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर एम एल शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21।
अब इसके अंदर सबसे पहले अपन इसका वर्किंग नोट के अंदर रेंटल वैल्यू निकालते हैं ना। तो सबसे पहले वर्किंग नोट के अंदर लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। हाउस प्रॉपर्टीज की रेंटल इनकम के लिए बड़ा सबसे पहले अपना देखिए फर्स्ट हाउस है वो तो इसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फिर अपने मान के चलते हैं कि सेकंड हाउस लेट आउट टू कंपनी, कंपनी को लेट आउट करके दे रखे हैं। तो इसका जो रेंट है वो अपने को दे रखा है कितना 2,43,000 डिवाइड बाई 90% क्योंकि 10% में टीडीएस कटा हुआ है इनटू 100। इसको बड़ा 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 2,43,000 है। इसको यदि अपन 100 में कन्वर्ट करें तो ये आता है 2,70,000। यानी कंपनी को जो लेट आउट किया है उसका टोटल रेंट कितना बेटा 2,43,000 नहीं है 2,43,000 नहीं है बल्कि 2,70,000 है। 10% इसमें टीडीएस से डिडक्टेड। उसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं हाउस थर्ड रेंट ऑफ 2 months कितना बता रहा है बेटा 30,000 जिसमें से बता रहा है आधा रिकवरेबल नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर अपन क्या करेंगे तो अपना रेंट दे रखे हैं कि 30,000 है वो 2 months का है तो 1 month का कितना हो गया 15,000 15,000 हो गया। अब 15,000 का बेटा अपन मल्टीप्लाई करते हैं इससे 12 से 1,80,000 और इसमें से माइनस कर दीजिए 15,000 तो 1 महीने का नहीं मिलेगा अपने को। इसकी कैलकुलेशन ये हो जाएगी 1,80,000 और इसमें से 1 month तक वो इरिकवरेबल है तो इसमें से माइनस कर दिया तो 1,65,000। ये थर्ड हाउस की कैलकुलेशन होगी अपनी। उसके बाद में एक हाउस और है फोर्थ हाउस, ठीक है रिमेन वेकेंट 6 months जो 6 महीने बड़ा खाली रहा और जिसका रेंट है वो अपने को बता रहा है कितना 15,000 रुपये रेंट दे रखे हैं। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12 1,80,000। हाउस फिफ्थ है उसका भी है रिमेन वैकेंट 10 months कितने महीने 10 महीने इसका रेंट है 9,000 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1,08,000। ये देखिए बेटा इसकी रेंटल वैल्यू अलग अलग हाउसेज की अलग अलग रेंटल वैल्यू है। अब इसके अंदर अपने आइडेंटिफाई किए हैं फर्स्ट हाउस ये माना है कि इसने लेट आउट कर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेकेंड हाउस कंपनी को दे रखा है, थर्ड हाउस जिसका रेंट है वो 30,000 है जिसमें आधा रिकवरेबल है ना नॉट रिकवरेबल है। तो उस स्थिति के अंदर अपन इसको डिवाइड 2 से किया 2 को मंथ का जो रेंट दे रखा उसको तो ये 15,000 वन मंथ का, इसमें से बड़ा 15,000 का जो नॉट रिकवरेबल है उसको माइनस कर दिया तो ये आ गया अपना 1,65,000। उसके बाद में हाउस फोर्थ है ये बड़ा 6 महीने वैकेंट रहता है जिसका रेंट 15,000 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हाउस को फोर्थ के बाद में फिफ्थ है ये 10 महीने बड़ा वैकेंट रहता है इसका रेंट है वो 9,000 है इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका अपन टोटल करते हैं ना कि टोटल रेंट वैल्यू देखिए कितनी आती है इसकी। यानी 7,20,000 ठीक है। उसके बाद में इसमें वैकेंट पीरियड का रेंट लेते हैं रेंट आउट
वैकेंट पीरियड। इससे बड़ा वैकेंट हाउस की दो ही है, तो फोर्थ हाउस इसका रेंट हो जाएगा आपका 15,000 है, और कितने महीने वैकेंट रहा, 6 महीने, तो ये जाएंगे 90,000। हाउस फिफ्थ है मैडम, ये 9,000 इसका रेंट दे रखे हैं, ये 10 महीने वैकेंट रहे, तो ये भी 90,000 हो जाएगा। इसका वैकेंट पीरियड हो गया कितना रेंट, 1,80,000 रुपये इसका वैकेंट पीरियड का रेंट आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बड़ा अपन हाउस फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए जहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड होते ही क्या होगा, पहले कंडीशन एनुअल वैल्यू नहीं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ये तो बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, एनुअल वैल्यू नील होती है, एक ही डिडक्शन देते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसके अपने को कैलकुलेशन भी करनी है, तो यहाँ पे अपन लिख के छोड़ देते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन। इसकी कैलकुलेशन करके अपनी इनकम आ जाएगी, तो इनकम फ्रॉम हाउस फर्स्ट। उसके बाद हम लिखेंगे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज के अंदर देखो बड़ा सबसे पहले लेते हैं इसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कह रहा है 52,000 इसका म्युनिसिपल टैक्स पेड किया हुआ है, जिसमें 10% बता रही है, तो इसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 52,000 डिवाइड बाय 10 इंटू में 100, या आगे बड़ा 5,20,000, इसमें से माइनस सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस है उसका जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है वो बता रहा है अपने को 1,60,000, 1,60,000 रुपये, तो माइनस इसमें से 1,60,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया कितना 3,60,000। और एक्चुअल रेंटल वैल्यू एक्सक्लूडेड अनरियलाइज्ड रेंट फॉर करंटली। ये बड़ा अपने रेंटल वैल्यू अभी निकाली थी ना, एक्सक्लूडेड अनरियलाइज रेंट ऑफ करंटली, ये लेंगे अपन, इसमें कितना दे रखे हैं 7,23,000 दे रखे हैं, इसमें से हायर वो ले आएंगे अपन नीचे विच एवर इज हायर, तो 7,23,000 टाइम। अब इसमें बड़ा वैकेंट पीरियड का भी रेंट है वो भी माइनस करना है, वो अपने को दे रखा 1,80,000, तो माइनस कर देंगे रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड लेस रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड, यह आ जाएगा 1,80,000। 7,23,000 बड़े इसमें से 1,80,000 माइनस करेंगे तो यह आएगा 5,43,000। यह आ गया अपना ग्रोस अनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रोस अनुअल वैल्यू से अनुअल वैल्यू निकालते समय बड़ा रेंट यानी म्युनिसिपल टैक्स है पेड बाय ऑनर वो माइनस होता है। अब इसमें ये दे रखा है कि म्युनिसिपल टैक्स है पेड है वो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, ये नहीं दे रखा है किसके द्वारा पेड है, तो ओनर द्वारा पेड माना जाता है, तो इसके अंदर अपन लेस
म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% लेना म्युनिसिपल वैल्यू का। ये बेटा देखिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज की कितनी है, 3,60,000 है। तो 3,60,000 के यदि 10% निकालने की आता है कितना, 36,000। ये इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद में इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगी अपनी क्या, ग्रोस अनुअल वैल्यू। ग्रोस अनुअल वैल्यू आ गया, उसके बाद में कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी अनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस करते हैं बेटा 5,43,000 में से माइनस करते हैं 36,000, तो आएगा 5,07,000। लेस डिडक्शंस सेक्शन 24 इसका, अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन फर्स्ट को, स्टैंडर्ड डिडक्शन बड़ा 5,07,000 इसका 30%, यह आएगा 1,52,100। 1,05,07,000 और इसमें से माइनस करेंगे 1,52,100। उसके बाद में सेकंड है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का बड़ा कैलकुलेशन, इसमें भी डिडक्शन देना है और इसमें भी देना है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बता रखा है वो है 5,20,000 है। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक हाउस प्रॉपर्टीज के लिए, अब हाउस प्रॉपर्टी के लिए इक्वल है या नहीं है वो अपने को कुछ भी नहीं बता रखा। अब अपन किस बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स है बेटा, वो म्युनिसिपल जो वैल्यूएशन है उसके रेशियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका एक वर्किंग नोट अपन बना रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 5,20,000 डिवाइडेड इन म्युनिसिपल वैल्यूएशन रेशियोज, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन रेशियो कितना बड़ा है 1,60,000 का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का, और 3,60,000 जो है वो है किसका, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज का। यदि अपन इसका रेशियो निकालें तो ये आता है किसका रेशियो आता है 5:4:9 रेशियो है इसका। अब इंटरेस्ट ऑन लोन फोर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए यदि अपन इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है कितना 5,20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 30, तो ये आएगा बेटा कितना 1,60,000 के लिए। अब लोन की अमाउंट है वो 1,60,000 इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और इसने एक लाइन लिखी थी बेटा कि जो 31 मार्च 1999 से पहले इसने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है और उसका जो इंटरेस्ट है वो अपन पे कर रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका जो डिडक्शन है वो ओनली 30,000 ही अलाउड है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। इसका प्रोविजन है ना कि यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए यदि लोन 31 मार्च
1999 से पहले लिया गया है, तो उस स्थिति के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन 30,000 होगी किसके लिए, यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर 30,000 के डिडक्शन देंगे, इसकी इनकम आ जाएगी 30,000 की, और वो भी नेगेटिव। अब उसके बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस प्रॉपर्टी है बेटा, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अपने को कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन इसका तो आया 160,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी ये भी 5,20,000 है, 5,20,000 इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है। इसको 9/13 कर देंगे तो ये आएगा कितना, 3,60,000, 3,60,000 आएगा। अब इसके अंदर बड़ा वो प्रोविजन लागू नहीं होता 31 मार्च 1999 वाला, क्यों, क्योंकि ये ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, नहीं कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज के लिए। तो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा कितना है, वो 3,60,000 है। तो 3,60,000 का ही डिडक्शन अपने को इसमें से दे, ठीक है। ये दोनों डिडक्शन का अमाउंट हो गया। एनुअल वैल्यू बड़ा इसका कितना है, 5,07,000 है। उसमें से दो डिडक्शन देंगे अपने को, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू अपने कैलकुलेट किया जिसका अमाउंट आया 1,52,100, और सेकंड इसका है वो है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन जिसका अमाउंट अपना 3,60,000। इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम आ जाएगी लेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो इसकी टैक्सेबल इनकम बड़ा कैलकुलेट करते हैं तो ये भी नेगेटिव में आ रही है ना, और नेगेटिव में आ रही है तो ये अपनी आ जाएगी 5,100। ये यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी बड़ा माइनस आ रहा है, उसमें भी माइनस आ रहा है, तो इसमें प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस है। तो ये लास्ट आ जाएगा अपना 35,000 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना लॉस आ रहा है, 35,100 का हाउस प्रॉपर्टी से अपने को लॉस हो रहा है, ठीक है बेटा। ये अपना क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर दे रखे हैं आपके जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो अपन इसको कंप्लीट किए इसके अंदर, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन इसका देखिए नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आपको समझना है। इसमें दे रखा है मिस्टर गणेश इज ओनर ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउसेज, दो रेजिडेंशियल हाउसेज उसके पास। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट हाउस इज स्टार्टेड जनवरी 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ और कंप्लीटेड हुआ बेटा दिसंबर 98 के अंदर। ही हैड टेकन ए लोन ऑफ ₹2,00,000 ऑन 1st July 1997 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस, यानी इस हाउस का कंस्ट्रक्शन के लिए इसने लोन लिया ₹2,00,000 का। अब बेटा इसके अंदर देखिए 95 के अंदर तो लोन लिया और 98 में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट नहीं है। यदि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा वो ओनली करंट ईयर का आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीरियड का 5 ईयर्स के लिए डिडक्शन मिलता है और 5 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज पेबल ऑन दिस, हाफ ऑफ दिस लोन वॉज पेड ऑन 1st August 2002, यानी 2002 के अंदर ही इसमें से आधा अमाउंट इसने पे कर दिया था। तो ₹2,00,000 का लोन है, उसमें से ₹1,00,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब लोन जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, ₹1,00,000 का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। आगे दे रखा है इट हैज बीन लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹2,500। अब बड़ा एक बात ये ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन आएगा वो आएगा आपका ₹1,00,000 का 10% यानी 10,000 का आपको डिडक्शन देना है। फिर ये कह रहा है कि इस हाउस को इसने ₹2,500 मंथली रेंट के ऊपर लेट आउट कर रखा है 2,500 पर,
द टेनेंट वैकेंट हाउस ऑन 31 जनवरी 2020, यानी जो इस हाउस को उसने 31 जनवरी को वैकेंट कर दिया, एंड इट वॉज रिमेन वैकेंट अप टू 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020 तक ये खाली रहा, यानी वैकेंट पीरियड फरवरी और मार्च दो महीने इसका वैकेंट पीरियड है। द रेंट फॉर दिसंबर 2019 एंड जनवरी 2020 कुड नॉट बी रिलाइज फ्रॉम द टेनेंट, यानी इसका दो महीने का जो रेंट है वो भी अनरिलाइज रेंट है इसमें, ठीक है। तो इसमें दो महीने तो जब एक्चुअल रेंटल वैल्यू अपन लेंगे तो इसमें 2500 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें से 5000 आपको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो महीने का जो रेंट है वो वैकेंट पीरियड का है, तो इसके अंदर 25,000 ही आपकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू आएगी। फिर जब अपन उसमें से विच एवर इज हायर म्यूनसिपल वैल्यू इसकी देखिए, वो भी निकल जाएगी। म्यूनसिपल टैक्स दे रखा बेटा 10% है, जो 2750 है, यानी 27,500 आएगी। और एक्चुअल रेंटल वैल्यू आपकी अनरियलाइज रेंट लेस करने के बाद में आएगी 25,000, विच एवर इज हायर है वो 27,500 आएगा। उसमें से लेस रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड वो दो महीने, तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 5000 इसमें माइनस कर दोगे तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर म्यूनसिपल टैक्स है वो 2570 वो माइनस कर देंगे तो आपकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है उसका कोई डिडक्शन नहीं देना है, ग्रोस ग्राउंड रेंट है उसका डिडक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट है इसका भी कोई डिडक्शन अपने को नहीं देना है। अपने को सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू लेना है 27,500, ये 10% उसको 100 में कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअल रेंटल वैल्यू एक्सक्लूडेड अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर, 2500 मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं पूरे 12 महीने का, जिसमें अनरियलाइज रेंट बेटा दो महीने का 2500 मल्टीप्लाई बाई 2, 5000 माइनस कर देंगे तो 25,000 आएगा, विच एवर इज हायर 27,500 आएगा। उसमें से लेस रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड जनवरी और सॉरी फरवरी और मार्च का जो दो महीने का रेंट है वो वैकेंट है, वो 5000 माइनस कर दीजिए तो 22,500 आपका क्या जाएगा एनुअल वैल्यू। इसमें से दो डिडक्शन देना, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा 30% ले लेना 22,500 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन अपने को 10,000 दे रखा है। उसके बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है, एक देखिए इसके अंदर एक पॉइंट बड़ा इसमें एक्स्ट्रा ये आएगा कि म्यूनसिपल टैक्स वर नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, देयरफॉर म्यूनसिपल टैक्स फॉर 2 ईयर्स वर पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसमें जो म्यूनसिपल टैक्स आप इसमें माइनस करोगे वो बेटा 2750 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 5500 का म्यूनसिपल टैक्स माइनस करना है इसमें से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर, तो इसकी यदि अपन म्यूनसिपल टैक्स को माइनस करेंगे तो वो 17,000 बचेगा इसके अंदर, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सेकेंड हाउस इज यूज बाई हिम फॉर हिज ऑन रेजिडेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस स्टार्टेड ऑन 1 मार्च 2017 एंड कंप्लीटेड दिसंबर 2019। देखिए बेटा इसके अंदर इसका जो हाउस है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ मार्च 17 के अंदर और कंप्लीट हुआ दिसंबर 19 के अंदर, यानी इस साल भी अगर अपन देखें तो इसका जो ओनरशिप पीरियड है वो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ही अपने। ए लोन 60,000 वाज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2018 से लेके बेटा दिसंबर 2019 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट के लिए जो इससे पहले का जो मार्च अब तक वो लेते हैं, तो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का यदि अपन इंटरेस्ट लेते हैं तो वो एक साल का ही कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आएगा। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 12% इसका आएगा 7,200 और इसको 7,200 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो वो अपना कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ जाएगा। करंट ईयर इंटरेस्ट बेटा वो सीधा निकलेगा, कितना दे रखा है 60,000 का 12% तो 7,200 हो जाएगा आपका। फिर आगे दे रखा है इसके अंदर इंटरेस्ट 12% इज पेबल ऑन डिट नाइदर द प्रिंसिपल अमाउंट और नॉर इंटरेस्ट ऑन अप टू 31 मार्च 2020 पे नहीं किया, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली ड्यू बेसिस पर डिडक्शन मिलता है। पेड वॉज पेड कर दिया, इसके अंदर पेड नहीं करता तो भी अपने को डिडक्शन देना है। म्यूनसिपल वैल्यूएशन ऑफ दिस हाउस 40,000, डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर पेड फॉर दिस हाउस आर एज अंडर, ये अपने को नीचे दे रखे हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है 3 महीने का,
और उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखी है अपने को। फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए कैलकुलेट करना है। तो सेकंड हाउस का बढ़ाई जो सिंपल एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है वो आपको मैंने बता दिया कि कंस्ट्रक्शन पीरियड का तो आएगा 60,000 का 12%, क्योंकि पूरे एक साल का ही आएगा। लोन लेने की डेट है 1 अप्रैल 2018। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2019 को। इससे पहले का यदि अपन मार्च लें तो 31 मार्च 2019 आते हैं, तो अप्रैल 18 से मार्च 19 तक एक साल होते हैं। तो एक साल का इंटरेस्ट आएगा 7200 डिवाइड बाई 5 कर देना तो कितना हो जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो तो हो गया कंस्ट्रक्शन पीरियड। करंट ईयर का इंटरेस्ट 7200 ही आपको पूरे लेना है। इन दोनों को ऐड करके कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट ईयर को वो इसका डिडक्शन दे देना। उसके बाद में दोनों हाउस की इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस फर्स्ट और सेकंड होके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा ये आया हुआ क्वेश्चन है 2004, उसके बाद में 2013 या 2014 को भी ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 2016 या 2017 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निकाल के कंप्लीट करना। और इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए ओके।